हेलो दोस्तों, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द ECLE लर्निंग इंस्टीट्यूट। ECLE मीन्स एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। एंड स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज़ करना सेंटेंस में। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, आज की वीडियो हम इसमें जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक आप इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है, ठीक है। एक छोटा सा मैंने लिया है यूज़ करने के लिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इसके लिए हम दो टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, क्या है जो टाइप, या फिर हम बोले क्या कंडीशन, तो कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारा क्या हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सब्जेक्ट हमारा सेम हो, क्या हो, सब्जेक्ट अगर हमारा सेम हो। सेकेंड, हमारा सब्जेक्ट अगर क्या हो, डिफरेंट हो, कैसा हो बताइए जल्दी, सेंटेंस हमारा क्या हो, डिफरेंट हो। तो टू टाइप से हम यूज़ करेंगे सेंटेंस, जब हमारा सेम हो और सेंटेंस हमारा डिफरेंट हो, या सॉरी सब्जेक्ट डिफरेंट हो। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए, टू कंडीशंस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो कंडीशन है, सब्जेक्ट जो हमारा सेम है, हम कैसे यूज़ करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो पहले सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट वाले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ क्या, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। आई होप मुझे ऐसा समझ में आता है, इजी बता रहा हूँ कि आप इसका ट्रांसलेशन जानते हो, तो इसके लिए मैं अब इसका हिंदी में अर्थ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो का वीडियो देख रहा है इसका मतलब आप थोड़ा सा आप जानते हो, ठीक है। तो मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, बट फिर भी बता देता हूँ कि इसका मतलब है मोहन फुटबॉल खेल रहा है, सिंपल ईजी है, ठीक है। दूसरा लिख लो क्या, सब्जेक्ट सेम करना है तो मोहन इज सिंगिंग, ओके, मोहन इज सिंगिंग। तो हमारे पास क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, मोहन इज सिंगिंग, दोनों सेंटेंस में बता दूं करेक्ट है, ठीक है। तो अब सेम सब्जेक्ट को हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा चैलेंज है, इसको हमें बनाना है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने दो स्ट्रक्चर्स लिखी हुई हैं। तो जो पहला आपका स्ट्रक्चर्स है, पहला स्ट्रक्चर आपका किसके लिए है, हमारा सब्जेक्ट है जो क्या, सेम सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो हमारा देखो क्या क्या स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा यहाँ मैंने डॉट 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 लिखा है, यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, ठीक है, इज एम आर जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर कुछ भी हो सकता है, फिर नॉट ओनली आएगा, क्या आएगा, नॉट ओनली आ सकता है। उसके बाद तीन चार चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि वो है, एडजेक्टिव है, नाउन है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हम बट ऑल्सो यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बट ऑल्सो यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर भी क्या वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, तीनों चार चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको आप स्ट्रक्चर्स को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देगा, चलो फिर से कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, प्लस नॉट ओनली क्या यूज़ करेंगे हम, एक मिनट पहले उठा लें, प्लस क्या यूज़ करेंगे, नॉट ओनली, क्या, नॉट ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट ऑल्सो, और उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर्स है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखते हैं इसी बेसिस पे, ठीक है। तो मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट से मेरा मोहन इज सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, मोहन इज सिंगिंग सॉन्ग। तो देखो, तो सीधा देखते हैं सब्जेक्ट मोहन, ठीक है, इज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो मोहन इज नॉट ओनली, फिर हमारा क्या आएगा, वर्ब हो सकता है, एडजेक्ट, नाउन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा क्या है, वो है, आईएनजी फॉर्म है, मोहन इज नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, हो गया फुटबॉल। फिर ये क्या यूज़ करना है, बट ऑल्सो सिंगिंग सॉन्ग। इसका हिंदी अर्थ निकालो क्या होगा, मोहन इज नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल बट ऑल्सो सिंगिंग सॉन्ग। तो मोहन ना केवल फुटबॉल खेलता है बल्कि क्या, बल्कि गाना भी गाता है।
आया समझ में? आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, तो नॉट ओनली इसका मतलब हिंदी में अगर हम लिख लें, ठीक है, ना केवल या बल्कि, ठीक ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोहन ना केवल फुटबॉल खेलता बल्कि क्या करता है, गाना भी गाता है। आया समझ में? आई होप इसको समझ में आ गया। बहुत अच्छे से मैंने दो सेंटेंस को ऐड करके बताया है, तो इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे सेकंड है, सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हम कैसे यूज़ करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है जो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो आप इसको में कमेंट करना कि मुझे सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे खूब सारे सेंटेंस लेके, तो सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, बट इसको ध्यान से एक दो बार देख लेना। ठीक है, अब हमारा क्या सब्जेक्ट क्या है, हमारा डिफरेंट है, अलग सब्जेक्ट हो, क्या हो, अलग सब्जेक्ट। आप उसके उस सेंस में हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, दो सेंटेंस लेते हैं डिफरेंट सेंटेंस का। ठीक है, चलो लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। राजू वॉन्ट टू गो भोपाल। राजू वॉन्ट टू गो भोपाल, इसको हम वॉन्ट सी कर देते हैं, वॉन्ट पढ़ा होगा। राजू वॉन्ट टू गो भोपाल, राजू भोपाल जाना चाहता है, राजू भोपाल जाना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही अलग सब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेम ही लिख देते हैं, मोहन या मोहन नहीं, कोमल लिख दो। ठीक है, कोमल वॉन्ट्स टू गो भोपाल। अब हमें सेकंड स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। देखो सब्जेक्ट क्या है पता ही है, इतना तो आप समझ जानते होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, राजू कोमल, दो अलग अलग नेम है, मतलब सब्जेक्ट हमारे क्या है, डिफरेंट है, काम एक हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो स्ट्रक्चर देखो क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर में डिफरेंट सब्जेक्ट हमारे, नॉट ओनली। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, बट ऑल्सो यूज़ करना है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है, क्या फिर क्या करना है, फिर से हमें सब्जेक्ट को क्या करना है, यूज़ करना है। उसके बाद चाहे आपका वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, वो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। ठीक है, तो लिखते हैं ध्यान से, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे बताओ, नॉट ओनली करेंगे इसके अनुसार। तो नॉट ओनली अब देखो, जो पहला है वो पहला, जो दूसरा है दूसरा, तो पहले से लेना है। नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो वॉट हु कोमल। ठीक है, अब मैंने लिखा क्या लगा था, बॉन्ड से लिखा था, यहाँ बॉन्ड्स यहाँ बॉन्ड हो जाए क्योंकि दो लोग हैं। नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो कोमल वॉन्ट टू गो भोपाल। आया समझ में? नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो कोमल वॉन्ट टू गो भोपाल। ना केवल राजू बल्कि कोमल भी, क्या है, कोमल भी भोपाल जाना चाहता है। आया समझ में? तो नॉट ओनली राजू, ना केवल, हिंदी में लिखें, चलो लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ना केवल राजू बल्कि कोमल भी कहाँ भोपाल जाना चाहता है, या बल्कि, ठीक है, भी भोपाल जाना चाहता है। ठीक है, ना केवल राजू, मोहन भी भोपाल जाना चाहता है, कोमल भी। तो यह क्या, हमने दो एग्जांपल देखे सेम का और डिफरेंट सब्जेक्ट का। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यह आज की क्लास थी, आई होप इसको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने अपना 100% प्रयास किया है आपको इस सेंटेंस को समझाने के, इस प्रकार के,
तो यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप चाहते हो कि मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। स्पीकिंग में कैसे यूज़ करना है वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार साइंटिस्ट बनाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।